हेलो एवरीवन, मैं आभा, आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आपको कुछ हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट बताती हूँ, जो कि आप जिसका हैंगिंग बास्केट रेडी कर सकते हैं और गार्डन को बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में जो मैं आपको हैंगिंग बास्केट बताने वाली हूँ, उसे बोलते हैं क्रीपिंग चार्ली। सॉरी सॉरी, क्रीपिंग चार्ली नहीं बोलते, इसे कर्ली चार्ली का प्लांट बोला जाता है। बहुत ही प्यारा हैंगिंग बास्केट है मेरा, इस तरीके से छोटे से पॉट पे लगा हुआ है। और देखिए इसकी ग्रीनरी कितने प्यारे लगे हुए हैं। और इसकी कटिंग आप अभी बरसात के सीज़न में लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको कटिंग लेनी है, मैं आपको कटिंग भी लेके दिखाऊंगी। और इसमें थोड़ा सा सैप निकलता है, तो आप इसे 1 से 2 डेज ड्राई कर लीजिए। और ड्राई करने के बाद किसी भी मीडिया पर आप इसे कंस्ट्रक्शन सैंड, कोकोपीट सैंड के मिश्रण में आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छा प्लांट होता है और बहुत ही जल्दी देखिए इस तरीके से प्लांट जो है ना, वो पूरा पॉट को कवर कर लेता है और बहुत ही प्यारा देखिए दिख रहा है। तो फर्स्ट नंबर पर आप ये लगा सकते हैं। सेकंड नंबर पर मैंने लगाया है सर्कुलर की एक वैरायटी है, बहुत ही प्यारी वैरायटी है, स्ट्रिंग ऑफ हार्ट बोला जाता है इस प्लांट को। और इस तरीके से देखिए इसके जो पेटल्स होते हैं ना, हार्ट शेप के होते हैं। सर्कुलेंट फैमिली का ये प्लांट होता है, इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा देखिए मेरा बास्केट है ये। और थर्ड नंबर पर वंडरिंग ज्यू है, ज्यू बोला जाता है इसे, वेरिकेटेड वंडरिंग ज्यू है। इसके जो लिप्स हैं होते हैं ना, वो थोड़े से वेलवेटी होते हैं, तो छोटा सा यहीं से कट कर लीजिए और इसे भी आप हैंगिंग बास्केट रेडी कर सकते हैं। इसके बाद आएगा ये देखिए जेट प्लांट है, तो जेट प्लांट की भी आप टोपियारी और डिफरेंट टाइप के देखिए बास्केट रेडी कर सकते हैं। तो मैंने भी किया हुआ है, अभी जस्ट मैंने किया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और फोर्थ नंबर पे आएंगे देखिए पान है, पान की वैरायटी है, उसे भी आप हैंगिंग बास्केट किसी में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजीली ग्रो होते हैं रेनी सीजन में। तो ये देखिए ये मेरा कटिंग से लगा ही हुआ प्लांट है, जिसमें कुछ जो लीफ देखिए ड्राई हो चुके हैं, तो वो कटिंग सक्सेस नहीं हुई है। बाकी सारी कटिंग देखिए मेरी बहुत अच्छे से सक्सेस हो गई है और बहुत बेनिफिट देती है। और एक मैंने हैंगिंग बास्केट भी इसका रेडी किया हुआ था, तो वो भी दिखाती हूँ। ये सक्सेस हो गया है, ये देखिए इसका हैंगिंग बास्केट है, इस तरीके से मैंने कटिंग ग्रो किया हुआ था। और इसमें एक क्या होता है वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से नीचे की साइड इसमें रूट्स निकली होती है, एक आध प्लांट है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और इसके बेबी टीयर का प्लांट होता है, ये भी मेरा हैंगिंग बास्केट पर लगा हुआ है इस तरीके से। और इसकी भी कटिंग आप ऐसे तोड़ लीजिए और 2 से 3 नॉट आप रखिए खोल के, ताकि कोकोपीट सैंड में जा सके। तो इस तरीके से छोटी कटिंग आप लीजिए और बहुत प्यारा सा देखिए इसका हैंगिंग बास्केट रेडी होता है। और ये देखिए ये क्रिसमस कैक्टस है, इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। और ये देखिए ये भी कटिंग से ग्रो हो जाता है, इतना कटिंग आप कट कर लीजिए लिप्स को और कोकोपीट और सैंड के में दबा दीजिए, बहुत जल्दी ईजिली ग्रो हो जाते हैं। और इधर आएंगे तो आज मैंने ऊपर देखिए सारे जो मैंने पॉलीथीन लगाया था उसे हटा दिया है, और सारे में देखिए मेरा डेलिया में बहुत सुंदर फ्लावरिंग भी हुई है ये देखिए। और धूप इतनी ज़्यादा है कि सभी फ्लावर जो है ना वो नीचे गिर चुके हैं। और एक हैंगिंग बास्केट ये है टाटर वाइन का, ये देखिए इस तरीके से ये छोटे से छोटे पॉट पर भी ग्रो होते हैं। मैंने इसे ग्रो नहीं किया है, ये अपने आप ही ग्रो हुए हैं, इस पॉट पर थे। तो इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं हैंगिंग बास्केट में। और मॉस रोज़ है, तो मॉस रोज़ की कटिंग भी आप अभी लगा सकते हैं। उसके बाद आएंगे पर्पल हार्ट, ये देखिए ये मेरा पर्पल हार्ट का एक बास्केट है। और इस तरीके से देखिए इसमें ये पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, तो ये हिस्सा जो है ये भी आप कट करके दबा सकते हैं और इसमें भी बहुत सुंदर हैंगिंग बास्केट रेडी हो जाते हैं। और जो मैंने आपको बताई हुई थी पान की वैरायटी, तो ये देखिए ये पान है, मैंने मॉस स्टिक पर चढ़ाया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए इसमें नीचे रूट्स निकलते हैं, आप इसे किसी में भी दबा दीजिए कोकोपीट या सैंड में, बहुत जल्दी इजली ग्रो हो जाते हैं। और ये देखिए मेरा कोर पॉइंट में जड़ा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। और नीचे देखिए काफ़ी भूसी है और बहुत ही प्यारे लगते हैं ये भी, हाँ हैंगिंग बास्केट पे। और नीचे कुछ मेरे और हैंगिंग बास्केट है, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। और ये देखिए ये है अजवाइन का प्लांट, अजवाइन का प्लांट ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन पर, पेस्ट का टेक थोड़ा कम होता है गार्डन पे। तो चलिए मैं अपने बालकनी गार्डन में कुछ हैंगिंग बास्केट की ओर ले जाती हूँ आपको। और ये देखिए ये सीडम ग्रास है, तो ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। तो इसकी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए कट करिए और यहाँ से आप इसे लगा सकते हैं।
और ये देखिए ये भी सीडम एडल्फी है, सर्कुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। तो मैंने इसे भी कटिंग से ग्रो किए, 1 वीक ही हुए हैं। तो इस तरीके से देखिए प्योर कोकोपीट में मैंने इसे लगाया है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन सेंट नीचे की ओर रहेगा, तो ये बहुत प्यारा दिखता है हैंगिंग बास्केट में। मैं इसका अपडेट आपको देते रहूँगी। तो ये देखिए ये क्रीपिंग चार्ली का प्लांट है, बिल्कुल मिंट के जैसे इसके जो है लीव्स दिखाई देते हैं। तो मैंने भी इसे कटिंग से ग्रो किया था, और ये जो मेरा प्लांट है ना बहुत ही ज़्यादा टॉल मतलब लंबा होता है। तो इसकी कटिंग भी आप इस तरीके से कट करिए, और इतना हिस्सा कोको पीट और सैंड में दबाइते जाइए। बहुत ही प्यारा ग्रीनरी ऐड करता है आपके गार्डन पर। ये देखिए पास से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इस तरीके से ग्रीनरी होती है इसमें। और इधर देखिए मैंने शैलो पार्ट पर सर्कुलर की कुछ कटिंग ग्रो किए हैं। तो ये देखिए ये रेड वेलवेट फंडरिंग जो है, तो इसकी कटिंग भी आप कट करके लगा सकते हैं। और इस तरीके से देखिए डेकोरेटिव कर सकते हैं प्लांट का। और इधर आएंगे तो ये देखिए ये है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इसका, बेबी सनरोज बोला जाता है। इसी की कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं। सर्कुलेंट की फैमिली से आते हैं ये भी, ये प्लांट भी, तो ग्रो कर सकते हैं। और इस साइड आएंगे तो पर्सलिन पोर्चुलुका के प्लांट है। और इधर आएंगे तो देखिए सर्कुलेंट के सीडम एडोल्फी है। तो इस तरीके से आप हैंगिंग बास्केट रेडी कर सकती हैं सीडम एडोल्फी का, बहुत ही प्यारा प्लांट होता है। तो जो मेरे गार्डन पर हैंगिंग बास्केट थे मैंने आपको दिखा दिए, और आप ऐड करिए। और एक प्लांट है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बनी कैक्टस का। तो ये देखिए ये कैक्टस की एक वैरायटी है जो कि इस तरीके से हैंग है, और इसे भी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है ये। और ये देखिए ये भी सीडम की कुछ वैरायटी है, इसे भी आप सीड हैंगिंग बास्केट में ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर वैरायटी होती है। इसे मेरे गार्डन पेस्ट ने शायद अटैक कर दिया है, इसकी लीव्स सारे ख़राब हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जो भी मेरे गार्डन पर हैंगिंग बास्केट थे मैंने आपको दिखाए, जो बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो बस फ्रेंड्स इतने बताना था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। और ये देखिए बहुत सुंदर हावर्थिया का एक मेरा प्लांट है, बहुत प्यारा इसका ग्रोथ हुआ है। तो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा।